हेलो फ्रेंड्स, मैं मसरत अब्बास और आज कई दिन के बाद मौका मिला थोड़ा सा सिटी से बाहर आने का। तो मैंने कहा फिर से एक बार आपको वीडियो बना के दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने टैंक टू टैंक और वन ट्रिप हर तरह का माइलेज आपको शो दिखाया। इस टाइम मैं हाईवे पे हूँ और गाड़ी स्टार्टिंग से ही हाईवे पे रही है। देखिए 13.3 किलोमीटर चल चुकी है और जो माइलेज है वो 18.3 अप्रॉक्स 19 तक गया। इस बीच में रुक गया कुछ देर, उसमें गाड़ी स्टार्ट रही, इससे जो है थोड़ा सा कम हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पीडोमीटर और रियल में 1 से 1.5 किलोमीटर का फ़र्क आता है, जो मैंने चेक किया अभी तक मेरी समझ में आया। तो अगर मान लीजिए 19 शो कर रहा है तो 15-16 में मतलब कोई वो नहीं है, कोई डाउट नहीं है, गाड़ी जो है 15-16 तक का माइलेज बहुत आराम से हाईवे पे दे रही है और गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत स्मूथ चल रही है। मतलब जैसा कि मैंने सोचा था, गाड़ी एकदम रोड से बिल्कुल, जैसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, एकदम चिपक के चल रही है एकदम बिल्कुल। स्टेयरिंग वगैरह देखिए, मैं छोड़ भी दे रहा हूँ तो गाड़ी देखिए एकदम सीधे, मतलब बहुत आराम से चल रही है, जिसे कहते हैं मतलब। इसका रीज़न ये है कि अभी गाड़ी का वेट भी है काफ़ी और अलाइनमेंट वगैरह भी अभी बढ़िया है, अभी नई गाड़ी है और बाकी कुछ एर्गोनॉमिक्स भी कह लीजिए, कंपनी की सेटिंग भी कह लीजिए, किया की और हुंडई की, कि गाड़ी को बहुत ही जिसे कहिए कि स्मूथ ड्राइव और मैं इस टाइम हूँ भरवारी, इलाहाबाद से चला था, बीच में रुक गया था, उसके बाद ये भरवारी एरिया में क्रॉस कर रहा हूँ। देखिए रेलवे लाइन भी कभी काम जो बाईपास वाला चला है, मेरे ख्याल से वही लाइन है और ये मैं वहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मंजनपुर जा रहा हूँ, जिसमें मैं मूरतगंज से मैंने दोबारा स्टार्ट की थी गाड़ी थोड़ा उससे पहले से। तो अप्रॉक्स देखिए 15 किलोमीटर चल चुके हैं, 18.4 का माइलेज दे रही है अभी फ़िलहाल। मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ उसके पहले थोड़ा ठीक से चल रहा था, अभी जो है गाड़ी बहुत ही मतलब ना मैं गियर ज़्यादा लगा पा रहा हूँ क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हूँ, लेकिन यह कि 19 पहुँच जाएगी। अगर मान लीजिए ठीक ठाक इसी कंडीशन में गाड़ी चलती रही, ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है गाड़ी जो है 19 के ऊपर भी चली जाए। और उससे आप ये हाईवे है तो इस पर आप 1 ही किलोमीटर का वेरिएशन लेके चलिए, अगर 18.3 तो गाड़ी मतलब 17 तो हर हाल में माइलेज निकाल रही है। अब इतनी बड़ी गाड़ी है, 7 सीटर है और कॉस्टिंग भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। उस हिसाब से अगर आपको ये माइलेज मिल रहा है तो मेरे ख्याल से जो किया की प्लानिंग थी सस्ते में अच्छा देना वो है। गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी चल रही है, बस ये है थोड़ा सा आरपीएम मेंटेन रखिए। मैंने देखिए आप जितनी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं आरपीएम पे आपको बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा गाड़ी को एक्सेलरेट मत कीजिए, एक लेवल तक मेंटेन करिए, कोशिश करिए 2000 के अंदर तक ही रहे। जब स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तब तो ऊपर निकल जाएगी, लेकिन कोशिश ही करिए देखिए 2000 के अंदर ही रहता है देखिए माइलेज, तभी अच्छा निकलेगा। अब देखिए जैसे 2000 RPM है और उसमें देखिए स्पीड आपके सामने है 70 RPM, आप मत बढ़ने दीजिए, थोड़ा सा 2-4 सेकंड लग जाता है, लेकिन अब देखिए अप्रॉक्स 2000 RPM है और गाड़ी देखिए 75-80 मेरे ख्याल से यही एक स्पीड है जो कि स्टैंडर्ड है। इस पे आप आराम से एक ठीक ठाक जगह जहाँ पे हाईवे है चला सकते हैं, इसके ऊपर जहाँ बेटी के ऊपर जाएंगे गाड़ी वार्निंग देने लगेगी। देखिए वार्निंग आ गई,
तो आपको खुद ही उलझन लगेगा, आप एक्सीलेटर छोड़ देंगे। देखिए 2000 आरपीएम पे गाड़ी एकदम बिल्कुल फिक्स हो गई है, स्पीडोमीटर देखिए 77, 78, मतलब वो बढ़ता जाएगा अगर आप एक्सीलेटर नहीं बढ़ाएंगे तो वो बढ़ाता जाएगा स्पीड को। ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी सही से आपको समझ में आया होगा जो मैं बताना चाह रहा था कि आरपीएम को ज़्यादा मत जाने दीजिए तो खुद ब खुद मेंटेन माइलेज अच्छा निकलेगा। देखिए 18.9 है और नो डाउट अगर मैं ऐसा ही चलता रहा तो गाड़ी जो है इस टाइम सिक्स्थ गियर में चल रही है और आरपीएम 2000 के अंदर ही है, 73, 74 मतलब 80 तक स्पीड, 80 के अंदर तक रहेगी। इसी तरह अगर मैं चलता रहा तो नो डाउट गाड़ी देखिए 19 पे पहुंच गई है और इसके ऊपर भी निकल जाएगी, मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा तो 20 और 20 के ऊपर भी निकल जाएगी है। और आप उससे इस कंडीशन में 1 किलोमीटर का वेरिएशन लेके चल सकते हैं कि अगर 19.23 है तो गाड़ी आपको 18 दे रही है, जैसे 19.1 है तो ये आप मान लीजिए कि गाड़ी आपकी 18 का माइलेज निकाल रही है इस टाइम। तो मेरे ख्याल से कुछ डाउट आपका और क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से। तो अभी मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे दिमाग में अचानक से ख्याल आया कि एक वीडियो तो यहाँ पे बनता है, एक वीडियो बना के मैं आपको दिखाता हूँ। देख रहे हैं अभी थोड़ा मुझे ब्रेक लगानी पड़ गई लेकिन अभी जो है माइलेज में देखिए फ़र्क आ गया। अब रोड पे तो आपको चलना ही है, रोड पे सभी है, जुगाड़ भी है, बैटरी रिक्शा भी है जो कि पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से कई करोड़ बिक चुके हैं। तो भाई जब कई करोड़ बिके हैं तो आपको रोड पर मिलेंगे भी, जो कि सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। कहीं भी रुक सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कहीं पलट सकता है। ठीक है, देखिए गाड़ी सिक्स गियर पे आ गई और देखिए 19 पे है, लेकिन अगर तो मेरे ख्याल से 1-2 किलोमीटर में चल जाऊँ तो माइलेज ये आज 20 तक शायद टच कर जाए। ठीक है, रोड की कंडीशन देखिए अभी भी सन्नाटा ही है, बीच बीच में कोई ना कोई आ जाते हैं, वरना रोड एकदम सही है। गाड़ी में देखिए ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, गाड़ी देखिए 75 किलोमीटर की स्पीड में है, गाड़ी में आपको लगेगा नहीं कि इतनी स्पीड में गाड़ी चल रही है। गाड़ी मतलब बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छी शॉकर है इसमें और गाड़ी बहुत ही बढ़िया बैलेंस बना के रोड पे चलती है, तो आपको लगेगा नहीं कि इतनी स्पीड में हम चल रहे हैं। देखिए 19.3 अब मैं पहुंच रहा हूँ मंजनपुर, मुझको मंजनपुर जाना है, आज संडे शाम था तो मैं पहुंच रहा हूँ। लेकिन कभी मौका मिला अगर मैं कानपुर लखनऊ रोड पे खुद चला के गया तो मैं आपको ये पक्का है कि मैं 21-20 तक तो मैं पहुंचा के आपको दिखा दूंगा गाड़ी इतना माइलेज दे रही है। यहाँ पर मैं इतनी चौड़ी रोड भी नहीं है, बस सिर्फ 2 लेन है लेकिन नाम की बीच बीच में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो इस वजह से जो है इसको आप कह सकते हैं सेमी हाईवे है, फुल हाईवे नहीं है। उस कंडीशन में देखिए माइलेज सही निकाल रही है गाड़ी, 19 प्लस में जा रही है। ठीक है, 19.6 मुझे लगता है शायद मैं आज ही आपको 20 दिखा दूँ इस गाड़ी में। आरपीएम पे ही देखिए मैं जो बार बार आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आरपीएम देखिए एकदम बिल्कुल जैसे 2000 पे ही रोक रखा है, उसके ऊपर जाने नहीं देते, बस रीज़न वही है माइलेज का। आरपीएम अगर मेंटेन है तो माइलेज अच्छा आएगा और नहीं तो फिर आपको पता ही है। देखिए 19.7 तक आ गया, अगर मैं उसी तरह से चलता रहता नो डाउट गाड़ी मेरी 20 आज क्रॉस कर जाती है 1 लीटर में। तो ठीक है दोस्तों, इसके लिए कि वीडियो बनाया है और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ओके बाय।